Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Class 12th की matrices की video के series में next video आज फिर से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिस video में हम देखेंगे transpose of a matrix क्या होता है और कैसे किसी matrix का transpose निकाला जाता है. I hope आपने पुराने सारे videos matrices के देख लिए होंगे, तो उन videos को देख करके आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट्स अपने मैट्रिसेस के क्लियर कर लिए होंगे. तो उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आगे के कॉन्सेप्ट्स भी हम इंटर रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है उस पर उसको स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखिए आप. इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन था जिसमें एम इसकी नंबर ऑफ रो और एन जो था वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताया था. देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए डैश, इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को. तो ये दोनों सिंबल्स आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस बताऊंगा मैं आपको और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस भी आपको बताऊंगा. तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए डैश इज गिवन बाय बी जे आई एन बाय एम. देखिए आप, एक तो ट्रांसपोज में सबसे मेन क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जा रहा है. तो जो नंबर ऑफ़ रोज है वो ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ कॉलम में कन्वर्ट हो जा रही है और जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ रोज बन जा रही है. और ए आई जे और बी जे आई में क्या रिलेशन है कि बी जे आई किसके इक्वल है ए आई जे के, यानी कि बी अगर मैं ए वन टू की बात करूँ तो वो ए वन टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी टू वन में. कब, जब आप ट्रांसपोज निकालोगे. तो आई और जे की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, आई वन से एम तक और जे वन से एन तक. अब पूरी डेफिनेशन देख करके मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी डेफिनेशन के बारे में कुछ क्लियर हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं आपको कोई एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत इजी आपको ये लगेगा. अगर मैं देखूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 5, 0, -3 और आपसे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो ट्रांसपोज मुझे अगर निकालना है तो ट्रांसपोज को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज ए टी या ए डैश. आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो मैट्रिक्स आपको दी है इसकी जो रोज़ हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए आप. तो पहली जो रो थी वो 1, 2, 3 थी, वो कॉलम में 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाएगा. सेकेंड जो रो थी वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और थर्ड जो रो थी वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. बस इतना आपको करना है. तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो जो रो है जिस नंबर की वो रो है उसको उसी नंबर के कॉलम में कन्वर्ट कर देना है आपको, तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा. अब मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये जो एलिमेंट है ये है ए वन वन, पहला एलिमेंट. ये कौन सा एलिमेंट है, ए वन टू. ये है ए वन थ्री. ये क्या है, बी वन वन. ये क्या है, बी वन टू. ये है बी वन थ्री. ये कौन सा एलिमेंट है, बी टू वन. यह है बी टू टू और बी टू थ्री. यह है बी थ्री वन, बी थ्री टू, बी थ्री थ्री. मैंने आपको बोला कि जो ए वन टू है वो इस मैट्रिक्स का बी टू वन बन रहा होगा. देखो कैसे, ए वन टू कितना है, टू, और बी टू वन कितना है, आप देखिए टू बन रहा है. ऐसे आप देखिए ए वन थ्री कितना है, ए वन थ्री है थ्री, तो वो यहाँ क्या बन रहा होगा, बी थ्री वन बन रहा होगा. बी थ्री वन आप देखिए थ्री. आई थिंक आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी. तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज अगर हमको मैट्रिक्स का निकालना है तो हमको क्या करना है कि वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के जो जिस नंबर का वो रो है उसको उसी नंबर का कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा. और एक क्वेश्चन आपको बताऊँ मैं, जैसे 1, 2, 3 ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया था, रो मैट्रिक्स है. इसका ट्रांसपोज में अगर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक चीज़ आपको यहाँ से एक रिजल्ट और देखने को मिल रहा है कि किसी भी रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होएगी. और किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो कैसी मैट्रिक्स होएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सी डैश अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 1, 2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में. इसका ऑर्डर आप देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, तो 3/2 इसका ऑर्डर है. यहाँ देखिए ऑर्डर क्या हो जा रहा है, 2/3.
ये भी मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो उसका जो ऑर्डर पहले रहा है ट्रांसपोज में, उसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ़ कॉलम हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होएंगी। यही हम ट्रांसपोज के बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखनी है। क्या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगी, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगी। और तीसरा कि किसी भी रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, और किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये तो बात हो गई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो ट्रांसपोज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। जी क्या होगा आइए देखते हैं। मैं किसी भी प्रॉपर्टी को, जितनी प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसपोज की आपको बता रहा हूँ, हर एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके आपको न्यूमेरिकली एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि इनके जो प्रूफ होते हैं, जितने प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ हैं, वो एक जनरल प्रूफ भी इनका होता है, क्योंकि वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे नहीं जाते हैं प्रूफ। तो उन प्रूफ को ना करा करके मैं आपको सीधे एग्जाम्पल के थ्रू हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं ए की बात करूँ, ए सपोज़ है 2 1 3 5, इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। पहली बार में ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर दोबारा से एक बार और ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ इसका, तो दोबारा से अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। पहला वाला स्टेप और लास्ट स्टेप देखिए आप, किसी मैट्रिक्स का अगर हम दो बार ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स बन जा रही है। इसका मतलब ये फिर से क्या बन गया, ए। तो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो देन इट विल बिकम द इनिशियल मैट्रिक्स। जो इनिशियल मैट्रिक्स वो रही होगी वो फिर से उसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताई। दूसरी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको याद रखना है, इनके रिजल्ट्स को याद रखना है। ए प्लस बी ट्रांसपोज, लिख दे रहा हूँ पूरा रिजल्ट, ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज जो है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए तो हमने ये लिया ही है, बी में ले ले रहा हूँ सपोज 9 0 6 8। अब मैं सबसे पहले ए प्लस बी निकालता हूँ। ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। ऐड कैसे करते हैं सब आपको बताया हुआ है, 2 प्लस 9 11, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 8 13। ये ए प्लस बी हमने निकाला, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो इसका ट्रांसपोज मुझे निकालना है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ये तो लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 1 3 5, बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 0 6 8 हो जाएगा। अब ऐड करते हैं, 2 प्लस 9 11, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 8 13। देख लीजिए आप, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे, अगर आप माइनस लेंगे यहाँ पे तो माइनस में भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि कोई भी तो मैट्रिसेस को ऐड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस ऐड कब होती हैं। वो ऐड तभी होती हैं जब उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड हो पाता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए किसके, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। अगर ऐसा है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आपसे कहा जाएगी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करो और मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो प्रॉपर्टी कहाँ से सेटिस्फाई हो पाएगी। तो उस केस में पहले मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम ए इंटू बी निकालते हैं पहले। ए इंटू बी का मतलब हो गया 2 1 3 5, और बी हो गया आपका 9 0 6 8।
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा 2 × 9 = 18, 1 × 6 = 6, 2 × 0 = 0, 1 × 8 = 8, 3 × 9 = 27, 5 × 6 = 30, 3 × 0 = 0, 5 × 8 = 40, कितना हो जाएगा 24, 57, 8 और 40। ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, और ट्रांसपोज जो आना चाहिए वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड यानी कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। तो ए बी होल ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 8 रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, 57 40, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। देखिए बी ट्रांसपोज कितना है, वो है 9 0 6 8, और ए ट्रांसपोज कितना है, वो है आपका 2 1 3 5। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज 9 6 0 8 2 3 1 5, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 18 + 6 = 27 + 30 0 + 8 = 8 0 + 40 = 40, तो 24 8 57 40, ये राइट हैंड साइड आ गई। आप देखिए जो ए बी ट्रांसपोज निकाला था मैंने वो और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, ये गलत है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका होल ट्रांसपोज है तो दूसरी मैट्रिक्स पहले नंबर पर आ जाएगी अगर आप ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो, और पहली मैट्रिक्स दूसरे नंबर पर आ जाएगी अगर आप ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, तीन प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको मैं इतना आपको मैथमेटिकली करके दिखा नहीं रहा हूँ, सिंपल है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो या उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो दोनों इक्वल आएंगे, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको वैसे भी याद रहेगी रहेगी। ये तीन मेन प्रॉपर्टी हैं जिसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी सबसे मेन है कि दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का अगर आप होल ट्रांसपोज निकाल रहे हो और अगर वो ट्रांसपोज को अगर आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दूसरी मैट्रिक्स पहले नंबर पर, पहली मैट्रिक्स दूसरे नंबर पर चली जाएगी, यानी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं रो और कॉलम, तो उनका जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम नंबर ऑफ़ रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसी भी मैट्रिक्स अगर रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज निकालोगे तो फिर से इनिशियल मैट्रिक्स बन जाएगी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालोगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एडिशन में भी यही होता है सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, और ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ट्रांसपोज का। कुछ क्वेश्चंस मैं हर वीडियो की तरह आज भी फिर से आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस नोट कर लें और सॉल्व भी करें। हर एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ और क्वेश्चंस को सॉल्व करें आप, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं ये सब। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया आपको, ए ट्रांसपोज करेंगे पहले, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर लेंगे तो दोनों जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड इक्वल आ रही होगी। सेकंड, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ करना है, ए तो ये है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 a b - a 0 c - b - c और 0, इन दोनों को ऐड करना है, ए और ए डैश को पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, एडिशन सब आपको बताया हुआ। ऐड करने के बाद हर एक एलिमेंट को हाफ से डिवाइड कर देना है, ठीक। दूसरा जो है इन दोनों को सब्ट्रैक करना है, और सब्ट्रैक करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको हाफ से
मल्टीप्लाई कर देना है या टू से सबको डिवाइड कर देना है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है और इस तरीके से निकालनी है कि ए जो मैट्रिक्स है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू क्या है आई। तो ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड इंटू ए करेंगे तो क्या है, जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इसको मल्टीप्लाई करके ये किसके इक्वल है, आई के, यानी कि आइडेंटिटी 100010001। तो इनको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये फिर से 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, 100010001। जो इसका जो पहला एलिमेंट आएगा वो पहला एलिमेंट एक्स वाई के टर्म्स में होगा, तो उसको आप इससे इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ऐसे और एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो आपको एक्स और वाई में बहुत सारी इक्वेशन मिल जाएंगी। उन इक्वेशन को आप किसी भी मेथड एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है पहले। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए रेज टू द पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज की पावर एन, वेयर एन इज़ अ नेचुरल नंबर। लास्ट वीडियो याद होगा आपको जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। पहले एन इक्वल टू 1 रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी ए ट्रांसपोज, फिर एन इक्वल टू के लिए ट्रू है मान लेंगे, यानी कि ए की पावर के ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर के, फिर के प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, ए की पावर के प्लस 1 ट्रांसपोज को हम क्या लिखेंगे, ए की पावर के का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए की पावर के का ट्रांसपोज हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की पावर के इंटू ए ट्रांसपोज। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ट्रांसपोज की पावर कितनी होगी, के प्लस 1। देखो हो गया प्रूफ, इतने से में शॉर्ट में आपको प्रूफ मैंने बता दिया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनसे रिलेटेड जितने आपको एनसीईआरटी अदर कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स में जो जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड मिलते हैं उन सबको सॉल्व करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे आपको ट्रांसपोज का कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। तो आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं आप। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा।